भाई साहब, पूरे 3 महीने भारत का टूर करने के बाद, कश्मीर टू कन्याकुमारी जाके वापस आने के बाद, मेरा मन किया भारत में मेरी फेवरेट सिटी आने का। तो मैं भी इनकी तरह अमृतसर आ गया। यहाँ आते ही सबसे पहले चेक इन किया हायत एजेंसी में, क्योंकि आज शहर के अंदर सारे होटल्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे और भाई साहब हायत मुझे 7054 रुपीज में मिल गया। भाई साहब फटाफट से रूम टूर, रूम का साइज में बहुत ज्यादा ही छोटा सा लग रहा है, मतलब आते ही खत्म हो गया। जो स्पेशलिटी है वो ये है कि एकदम आपका जो हाईवे है जहाँ पे गोल्डन गेट आता है उसके आगे से आपको यहाँ पे ये वाला व्यू मिलेगा। और भाई साहब इधर ये मॉल है, शाम को मुझे लग रहा है रौनके लगेंगी यहाँ पे। रूम कुछ ऐसा सा है, यहाँ पे एक छोटा सा लाउंज है, बेड है, एंड देन पैंट्री अंडर द टीवी, और इधर भाई अपना सिंक एंड वॉशरूम, ये भी मैनुअल है। छत वाला नहीं है, प्रेशर देखते कैसा है। ओ भाई, ये तो हल्का सा वॉक इन क्लोजेट वाली फील दी हुई है। और इसको आप बंद कर दो। 45 मिनट्स में रूम टूर करके, शावर लेके और लिप्टन दी चाय पी के मैं तैयार हूँ अमृतसर का स्वादिष्ट खाना आपको दिखाने के लिए। अमृतसर का पंजाबी देसी खाना खाने हम सबसे पहले मेरे फेवरेट ढाबा पे आए अमृतसर में, शर्मा वैष्णो ढाबा। यहाँ का खाना मेरा फेवरेट क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना एकदम सादा, एकदम देसी, एकदम पंजाबी फ्लेवर्स वाला खाना मिलता है। हम आपको मिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। वेलकम सर। सबसे पहले तो सर ये बताइए ढाबा कितना पुराना है मेरी ऑडियंस को बताइए। सर 50 साल से ऊपर ही है। और सर आपका नाम क्या है जी? जंग बहादुर सर। जंग बहादुर जी, हाँ सर। जंग बहादुर जी, यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है? मटर पनीर, पालक पनीर, आलू गोभी, मिक्स वेज, राजमा दाल। एक बार दिखाएंगे प्लीज? आपको दिखाते हैं तड़का कैसे लगाते हैं। तड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। सर आज भी कोयले की भट्टी यूज कर रहे हैं? हाँ सर, कोयले। आज भी भाई साहब प्योर जो फ्लेवर्स हैं, जो अमृतसर, ये सर मटर पनीर है? हाँ जी सर। भाई साहब मटर पनीर बनके तैयार है। ये मटर पनीर है? अच्छा, ये मटर पनीर ही है? क्या बात है, जबरदस्त यार, खुशबू आ गई है। और ये क्या है जी? ये राजमा। ये है जी राजमा, ये चित्रा राजमा है, एकदम बढ़िया राजमा। ये मिक्स वेज है? ये है भाई साहब मिक्स वेज। ऐसी सफाई और ऐसी कटिंग वाला मिक्स वेज आपको कहीं और खाने को नहीं मिलेगा। ये आलू गोभी। और भाई साहब इधर है ये आलू गोभी, फ्रेशनेस, थोड़ी फ्रेशनेस चेक करो। और सर इधर क्या है? ये पालक है भाई, ये है पालक, कमाल। अच्छा इधर है दाल, ये देखो शर्मा ढाबा की स्पेशल दाल। और सर इसके अलावा भी कुछ और होता है? नहीं सर बस। पनीर की सब्जी भी बनाते हैं? शाही पनीर या पनीर भुर्जी? पनीर, शाही पनीर या फिर पनीर भुर्जी? पनीर भुर्जी, बहुत बढ़िया। सर हमें क्या खिलाएंगे? जो को सर खिला देंगे। आप बताइए यहाँ का सबसे स्पेशल क्या है, आपका फेवरेट क्या है? सर सब फेवरेट है, जो को बढ़िया बना देंगे। क्या बात है सर, एक तो दाल को तड़का लगा दो, क्योंकि दाल खाए हुए बहुत जमाने हो गए ऐसा लग रहा है। ठीक है सर। और दूसरा सर एक बढ़िया सा पनीर जो है शाही पनीर वो बना के दिखा दो। तो ये देखो भाई साहब, देखो ऑयल के अंदर प्याज और काली मिर्च आ गई। प्याज है जी, अदगर है जी, हरी मिर्च है, खीरा है, बस यही कुछ होता है। ये आ गया टमाटर। जंग बहादुर जी, आपने अपने पिताजी को ज्वाइन किया था यहाँ पे, मतलब आपके पिताजी चलाते थे पहले? नहीं सर। और उसके पहले आपके दादाजी? नहीं बस पिताजी। अच्छा पिताजी नहीं चालू किया? हाँ। तो आप हैं अमृतसर से? हाँ जी। आपकी जो आगे जनरेशन है वो आपने बताया था बाहर चलेंगे ना? लड़का चलेगा बाहर, इंग्लैंड। इंग्लैंड, अरे वाह। पिछली बार जब मैं आया था तो अभी शायद नए नए गए थे। हाँ हाँ। तो अभी बढ़िया सेटल हो गए वहाँ पे? हाँ हो गए, 5 महीने उससे ऊपर हो गए। क्या बात है, यूके में इनका बेटा है जी यहाँ पे, ये देखो खुद ये ढाबा चलाते हैं। और जितनी तेजी से, जितनी जल्दी जल्दी चीजें बनाते हैं ना भाई साहब, इतना कमाल का यहाँ पे खाना है, मजेदार है। और अभी दिखाते हैं आपको शाही पनीर, कढ़ाई के अंदर तेल और साथ में अदरक और प्याज और ये काली मिर्च, जीरा और ये थोड़ी सी हरी मिर्च। भाई साहब इधर से ये ग्रेवी आ गई है, ग्रेवी के साथ ये टमाटर। और भाई पनीर के क्यूब्स जो है वो साइड में रखे हुए इन्होंने रेडी करके, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए शाही पनीर के अंदर पनीर के क्यूब्स आए और ऊपर से थोड़ा सा ग्रेवी। और सर किचन किंग है? हाँ जी। और ऊपर से ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नारियल डाले ना? मगज सौगी। मगज और सौगी, अरे थोड़ी सी टोमेटो केचप। भाई साहब सारे फ्लेवर्स मिक्स करके बढ़िया तरीके से, टोमेटो केचप का एक चटपटा सा जो फ्लेवर है ना वो जब मिर्च के साथ कंबाइन होता है तो भाई साहब क्या जबरदस्त माहौल बन जाता है। और ये गरम मसाला, हरिया धनिया, ये क्या डाला सर एकदम? बटर। ये मक्खन। वेलकम टू अमृतसर भाई साहब, अपनी लोकेशन बता दीजिए प्लीज। कचहरी चौक जी, नियर सिख गुरुद्वारा दिल्ली सर कमीशन जी। और टाइमिंग्स आपके यहाँ की? टाइम सर 12 बजे शुरू होता है, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसके बाद 1 घंटे की रेस्ट, रात को 10 बजे से पहले। क्या बात है। और ड्रिंक नॉट अलाउड।
जी ड्रिंक नॉट अलाउड और नॉन वेज नहीं है, प्योर वेज ढाबा है, वैष्णो ढाबा है एकदम। आप यहाँ पे आके आराम से अपना खाना अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको हैवी खाना, क्रीम मक्खन वाला खाना खा के अगर आप थक चुके हो ना, तो ये आइडियल ढाबा है आपकी फैमिली के लिए। ये देखो ये बढ़िया वाला शाही पनीर भी तैयार है, धुएं मार रहा है। और भाई अमृतसर आते ही अगर आपको खतरनाक पंजाबी खाना मिल जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया और क्या चाहिए। मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है भाई साहब। स्वाद बटांदरा करने के लिए आज अलग अलग रंग है हमारे पास। इधर देखो ये बढ़िया वाला शाही पनीर एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल। और ये दाल देखो, मैं आपको जो बोल रहा था ना कि भाई अगर आप दाल मखनिया हैवी ड्यूटी क्रीमे श्रीमे डाल के खा के थक चुके हो, तो भाई यहाँ पे अमृतसर में जो शर्मा ढाबा है ना, यहाँ का आके खाना एक बार ट्राई करो। आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार, ये मिक्स वेज देख के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। इसके अंदर गाजर है, मटर है, पनीर है और साथ में गोभी है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, भाई भर भर के सब कुछ डाला हुआ है। कड़क तंदूरी रोटी के साथ हम खाने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई साहब एक बाइट लेते हैं। श्योर इज अ बाइट। ओहो भाई साहब वही वाली बात है, यहाँ पे जो स्वाद है, जो जायका है ना, इतना ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पे एक्चुअल में आपको सब्जियों का टेस्ट आएगा, ये नहीं है कि इसमें क्रीम मक्खन और ये सब चीजों का स्वाद है। देसी घी डाल के, मक्खन डाल के, क्रीम डाल के तो कोई भी अच्छा खाना बना सकता है। भाई साहब इन सब चीजों के बिना अगर आप अच्छा खाना बना सकते हो तो भाई वो स्वाद है, वो जायका है, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। ये तो बहुत ज्यादा कमाल। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये सब चीजें जो आज हमने लगवाई है आप भी लगवाना। बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार। और भाई साहब इतना बढ़िया पंजाबी खाना खाने के बाद मैं आया हूँ चिड़ा चौक में अमृतसर में, जहाँ पे मेरे फेवरेट पकौड़े मिलते हैं। अंकल जी सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है अंकल जी? अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हुआ देख के दुकान जो है आपने एकदम बदल दी है, रंगारंग हो गई, पूरी रेनोवेट कर दी है। थोड़ा बताइए ये कब किया आपने? ये हो गई 6 महीने हो गए। पहला जिम्मे हुंदा सीगा ना भाई सामने थोड़े टोकरा पिया हुंदा सीगा, जो छाल लगा हुंदा सी पहले, वो पुराने समय से चल रहा था, हुण फिर नवीं जनरेशन आ गई। क्या बात है। ये देखो भाई साहब सारे जो यहाँ पे अमृतसर में पकौड़ों को तलिया कहते हैं, और सारा तलिया जो है वो अब अंदर स्टोर हो गया है। मिट्टी कट्टी तो बचा रहा होगा ना? हाँ जी मिट्टी कट्टी। बहुत बढ़िया अंकल जी। मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने अपना नाम दसो प्लीज। सरदार अमीर सिंह जी। सरदार अमीर सिंह जी। अंकल जी मैंने ना थोड़ी कही हुई वो गल याद है जेडी दसी सी हनुमान जी दे मंदिर वाली, सो वो गल एक बार प्लीज रिपीट कर दो। मैं पहले पिता ही बहन दी ते मैं कपड़े का काम करता है, फिर रात नूं पैदल सवेरे पैदल जाना, पैदल जाना मैं करता लारंस रोड क्विंज रोड से, क्विंज रोड से काम करता है। रात पैदल आ रहे थे भांडिया ने भी अज बाजार सवेरे वाला, उत्थे गए डूंगा हनुमान, उत्थे ने एक ऐसे तरह स्टाल लगा ही तले का, ते बाल्टी इन्हां दी भरी पई सी चढ़नी दी ग्रीन शेड दी। मैं अपने मन च गया मैं मां पुछो कि साड़ियाँ भी बाल्टियाँ भरनियाँ कि इदा, लेकिन साढ़े कहन दे विच देर हो सकती है, लेकिन उन्होंने देन च देर नहीं, देर नहीं की थी उन्होंने। उस वेले मैं कहना जी अभी बाल्टियाँ कहने जी, तो हमें बड़े बड़े बाल्टे भरे हुए है ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਮਰਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਜ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉਨਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੀਮ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1919 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। क्या बात है। सो अंकल जी आप दिखाओ कि अपने पास कौन कौन से पकौड़े होते हैं। अब तो सेटअप बहुत ज्यादा रंगारंग हो गया है। ये चांप है सोया जी, ए जी मेथी वड़ा जी, मेथी वड़ा जी, गोभी वड़ा जी। अच्छा जी गोभी का फूल देखो आप कितना बड़ा, एक बार दिखाना गोभी दोबारा। गोभी का फूल देखो यार जबरदस्त साइज का गोभी का फूल है। आलू टिक्की और ये आलू की टिक्की है। वाह प्लेन आलू, ये प्लेन आलू है, बहुत बढ़िया जी।
ये बैंगन जी। ये है जी बैंगन का, जबरदस्त। ये हलवा कद्दू। ये कौन सा? हलवा कद्दू। हलवा कद्दू जी 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 हलवा कद्दू भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं जी। प्याज है जी। ये है जी प्याज का, पूरा प्याज ऐसे ही तल दिया काट के बीच में से। ये तो सीजनल है ना जी। हाँ जी, छोटे लम्बे लम्बे कमल ककड़ी भी कह देंगे। पीठी का बड़ा जी। पीठी का दाल दी पीठी है। हाँ जी दाल दी। क्या बात है अंकल जी, आपके यहाँ की जो चटनी है ना वो वाकई में इसके ऊपर बजरंग बली का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि चटनी बहुत कमाल है। और ये देखो ये मिक्स पकौड़े अंकल जी फ्राई करने के लिए दे रहे हैं अपने बेटे को। वाह वाह अंकल जी, चटनी का क्या राज है, क्या क्या डालते हो आप इसमें? इसमें जी खट्टा डालते हैं, इमली का जी, आलू डालते हैं, प्याज डालते हैं, मूली डालते हैं जी जी जी। और अंकल जी आपके यहाँ की जो कढ़ी है वो तो इतनी ज्यादा जबरदस्त है ना, एक बार वो भी दिखा दीजिए। इससे भी लड़की छोटी थी जी, ये हमारे से खत्म हो गई जी, साढ़े को खत्म हो गई तो और ले गया। अच्छा जी, और कुड़ी ने जो कलर देखा कहते हैं कड़ी होना दी नहीं कहते पापा कहते नहीं है, ये कहते ना जी ना जी, जी, कड़ी, जी, नहीं। उनकी कड़ी नहीं है। ये देखो भाई कड़ी, एक बार थोड़ी निकाल के गिरा के दिखा दो भाई साहब। यहाँ की कड़ी अगर आपने एक बार खा ली ना, आपका कड़ी का डेफिनेशन जो है वो बदल जाएगी। एकदम जबरदस्त कड़ी है। इसके साथ एक तुसी कुलचा भी देने हो, हाँ वो भी दिखा दो। ये कुलचे हैं, इधर साथ में पापड़ है। और भाई साहब बहुत ही कमाल का यहाँ पे सेटअप है। आप कभी भी अमृतसर आओ तो चिड़ा चौक। अंकल जी एक बार एड्रेस दस जी, जी वाला जी अमृतसर। और टाइमिंग्स आपके यहाँ की? टाइमिंग सुबह 7 से 10। 7 से 10 आपको ये सारे पकौड़े चटनियाँ कढ़ी ये सब कुछ मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने आके क्या खाना है, आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे प्राइस क्या है अंकल जी अपना? ये है 15 रुपए का पीस। 15 रुपए का एक पीस, जो भी ले लो। हाँ जी क्या बात है। और एक चीज और बताइए कि एक पकौड़ा है जो थोड़ा महंगा वाला होता है वो कौन सा होता है? वो जी कचालू है जी। जी वो 25 रुपए का। और एक पतौड़ का पकौड़ा होता है? पतौड़ अभी आया नहीं, वो मई के महीने वो मई में आएंगे। और वो भी वो 20 रुपए का पीस? नहीं वो 15 रुपए वो 15 का। ओके 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 बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप आओ और ये तलिया जो है ट्राई करो बापे दी हट्टी पे। एड्रेस आपको मालूम है, लोकेशन आपको मालूम है, टाइमिंग्स मालूम है। यहाँ पे आ जाओ और अंकल जी के साथ आओ, बैठो, कढ़ी खाओ, साथ में पकौड़े खाओ, आपको मजा आ जाएगा। वीडियो बन रही है जी। और कहते एक मिनट कर जा फोटो वाले ने। भाई साहब स्वाद बटांदरा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आके आपने कैसे करना है। ये पकोड़ा कोई भी ले लो, मतलब गोभी का ले लो, पेड़ का ले लो, आप यहाँ पे लिटरली आके प्याज का पकोड़ा ले लो कोई भी। इसके साथ ये लो अमृतसरी ये वाला कुलचा। इसके लिए ना लिटरली अमृतसरी लोग जो है वो मतलब जान दे देंगे, इतना ज्यादा उनको बढ़िया लगता है। और हमें नॉन अमृतसरीज को भी बहुत अच्छा लगता है। भाई साहब ये चटनी है, इधर कढ़ी है। तो आपने बाइट पता कैसे लेनी है, ये एक बाइट तोड़नी है आपने, इसको डायरेक्टली आपने पकोड़ा पकड़ना है इससे। और ये करारा होगा जब भी आप खाओगे ना, ये करारा होगा तो थोड़ा ध्यान से इसको तोड़ो, ठीक है। उसके बाद पहली बाइट जो है ना वो आपने डिप करनी है ऐसे कढ़ी में, ठीक है जी, ऐसे डिप करा। एंड ये आपकी फर्स्ट बाइट होने वाली भाई साहब, फर्स्ट बाइट डायरेक्टली कढ़ी के साथ पकौड़ा और कुलचा, दैट्स इट, और कुछ नहीं डालना। इस प्राइस पे ये टेस्ट और इतनी बढ़िया क्वालिटी भाई, ये सिर्फ और सिर्फ अमृतसर में चिड़ा चौक में ही पॉसिबल है। ये वाला ऐसा फ्राइड, ऐसा जबरदस्त स्वाद, ऐसे मसाले, ऐसी बढ़िया काढ़ी हुई कढ़ी और भाई ये साथ में कुलचा, ये आपको अमृतसर में भी कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। बहुत सारी पकौड़े की दुकानें हैं यहाँ पे, बट एक वो है जो सबकी फेवरेट है, जिसने भी एक बार ट्राई किया है वो सब दीवाने हैं। ये आके यहाँ पे ऐसे ही ट्राई करना, आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है। हमारे साथ है जी रवनीत पाजी, जो कि हमें यहाँ पे अमृतसर में बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं। बट पाजी ये तो नहीं खाता कदम, ना भाजी मैं टाडे करके फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं। पक्की गल है? बिल्कुल, देख लो, पहला खाता तो नहीं हुआ? ना पहले नहीं खाता भाजी। सो आपको एक सैंपल दिखाता हूँ मैं कि कैसे पहली बार जब आप ऐसे ट्राई करोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और ये सही बात है भाजी, लिख के ले लो, बहुत जबरदस्त है भाजी, लिख के लो।
भाई साहब पकौड़े समोसे ये सब चीजें तो आपको रात में मिल जाती हैं, बट भाई अमृतसर में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कल्चर है, अमृतसर का नाश्ता, सबका फेवरेट अमृतसरी कुलचा अब आपको रात में भी मिलेगा। और कितने बजे तक मिलेगा, क्या क्या मिलेगा और क्या ऑफर्स हैं सब बताते हैं। आप देर रात तक चला रहे हैं, मतलब रात में भी खाते हैं लोग? जी 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 बहुत जी। कितने बजे तक सर जी? रात 7 से शुरू करते हैं, 7 से 11 की टाइमिंग है हमारी। मतलब रात को 11 बजे तक यहाँ पे कुलचे खाने वाले लोग हैं और खाते हैं? जी। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। भाई मैंने ना दीवानापन देखा है, पर इतना दीवानापन नहीं देखा किसी चीज के लिए कि लोग लिटरली जो है रात को 11 बजे तक कुलचे खाने आते हैं। तो भाजी कौन कौन से कुलचे होते हैं आप? कुलचे तो साढ़े को 12-13 तरह के है जी, जेडे ज्यादा ऑफर वाले चल रहे हैं मिक्स कुलचे हैं ते पैटी कुलचे हैं। तुम नियर चेक कर सकते हैं जी, पूरी पैटी बनी है। वाह वाह वाह। तो अभी ये कौन सा वाला बना रहे हैं? ये पैटी कुलचा बना रहे। ये पैटी कुलचा बन रहा है सर, एक नॉर्मल कुलचा भी बना के दिखाना। स्टैंडर्ड अमृतसरी कुलचा जो है उसी के ऑर्डर ज्यादा है जी, और साथ में पैटी कुलचा के ऑर्डर हैं। और भाई साहब अभी लेयरिंग वाला जो डो है वो पाजी उसके पेड़े करने वाले हैं, तो आपको पूरी की पूरी प्रेपरेशन ही दिखा देते हैं आज। ये पैटी कुलचा के लिए तैयारी हो रही है पाजी? जी जी सर। और ये कितनी पुरानी दुकान है? इतने घटो घट सानू ना 4 महीने हो गए। अच्छा जी जी। उस तरह साडी लाइन है जेडी है जी 1970 वेले दी चलदी आ रही है जी। दादा जी करदे सी, फिर फादर साहब करदे, हुण असीं कर रहे हैं। अच्छा जी। तो किस नाम से था आपके दादाजी का सेटअप? दादाजी का यही अमृतसरी कुलचे के नाम पे। ओके, यहीं पे था? नहीं नहीं, वो गेट के जाने पे लगाते थे जी। अच्छा जी। मिक्सचर आ गया जी। अच्छा जी। देख सकते जी, गोभी जे, प्याज जे, गाजर जे, चुकंदर जे, अच्छा, हरा धनिया जे, जी कौन से जे, खड़े मसाले जे। भाई सारा का सारा जो ये मिक्सचर है एक ही बार में आ गया, और ऊपर से ये आ गई स्टफिंग। इसमें क्या क्या है सर? आलू है सर जी, मिक्सचर। अच्छा, आलू है और साथ में कुछ मसाले। और भाई ये पैटी के लिए ये हो गया सामान रेडी। भाई ये तो एक तरह से टाको बना दिया। तो भाजी कोई ऑफर भी चलाया मैंने सुना, कोई ऑफर भी आपके यहाँ पे? ऑफर जी जी। कौन सा वाला ऑफर है? मिक्स कुलचे पे है, पैटी कुलचे पे है। जो मिक्स कुलचा 50 का एक है जी, वो 2 दे रहे हैं, बाय 1 गेट 1 जी। और जो अमृतसर ये पैटी वाला है, पैटी वाला 70 का है, 2 दे रहे हैं 70 के। अच्छा, 70 में भी 2 दे रहे हो जी सर जी। देसी घी लगा के दही था उसे। ये देखो पैटी कुलचे के लिए जो इन्होंने तैयारी करी थी, एक तो रेडी हो गया है और दूसरा वाला जो है वो उसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत इश्क मोहब्बत सब कुछ करके और मसाज करके। और अब इसको पति जरा एक्स्ट्रा कट लेने हो, ये फिर बाद काम आता है जी जी। एक ही काम होता है जी, पेड़े जी फिर आ जाता है जी। अच्छा, दोबारा पेड़े चाहिए? वाह वाह वाह। भाई अभी पैटी कुलचा जो है इसके ऊपर ये कौन सा इश्क है सर? ये डालडा घी है। ये डालडा घी है भाई, ये लगा दिया है। और इसके अलावा कसूरी मेथी आ गई, और इधर तंदूर भी भाई साहब पूरा रेडी है कि डालो कुलचे मेरे अंदर, मैं भी थोड़ा अपनी पेट पूजा करूं, है ना सर जी। लो जी, ये आपका पैटी कुलचा गया तंदूर के अंदर। और पाजी एक टाइम में कितने कुलचे लगा देते हो उसमें? 30 कुलचे लग जाते। 30 कुलचे एक ही बार में। नाश्ते में भी होता है सर अपना? जी 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 सर। अच्छा, नाश्ता भी है जी जी। वाह भाई साहब, डबल शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब रात में कुलचा ना बड़ा मुश्किल से मिलता है, बट यहाँ पे आपको रात में भी कुलचा मिलेगा, दिन में भी मिलेगा। तो 11 बजे भी अगर तलब हो रही हो ना अमृतसरी कुलचा खाने की, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो प्लेन में भी वही स्टफिंग है भाई, ये चुकंदर, हरिया धनिया, गाजर और स्वीट कॉर्न ये सब डाल दिया है। और ये स्टफिंग जो है पकड़ के पेड़े के अंदर डालिए, पेड़े के अंदर लेयरिंग ऑलरेडी है। और ये पाजी सिक्ख्या के तो है? दादा जी चलाते आ रहे हैं जी, मैं फादर साहब को सीखे। अच्छा सर, एरिया क्या है, अपना एड्रेस क्या है? सर जी लाहौरी गेट इनसाइड बोरिंग वाला बाजार नियर चमन मंदिर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको टाइमिंग्स पता है, लोकेशन पता है, अमृतसर आते हो हरमंदर साहब मत्था टेकने तो कुलचे खाने, और रात हो गई है तो अब मैंने प्रबंध कर दिया भाई साहब, अब रात में भी कुलचे मिल जाएंगे आपको। ये देखो ये गोल कुलचा जो सिंपल वाला है, जो मिक्स कुलचा है उसकी भी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। पर ये क्या चीज़ है? देसी घी है। ये देसी घी है, और उधर डालडा जरूरत पड़ती है इसकी? सर जी जेड़ा क्रिस्पी है और डालडे के उन्हें बनता है जी। अच्छा, जेड़ा क्रिस्प आंदा है और डालडे नाल ही आंदा है, वैसे अदरवाइज देसी घी लाउंदे है। भाई साहब ये प्लेन वाले कुलचे जो है अपने मिक्स वाले कुलचे वो भी तैयार है, और ये अभी जाएंगे तंदूर के अंदर। विक्की भाजी एक बार छोले और जो चटनी है वो भी दिखाओ, वो भी विदाउट लहसुन प्याज है? जी जी, हरे प्याजा की चटनी है जी। अच्छा, ये तो है जी चटनी हरे जी, प्याजों वाली, पुदीना जे, जी हरी मिर्च जे, धनिया जे। अच्छा ठीक है जी, उस तो बाद इमली होंगी जी, विच ते हरे प्याज पाके। जी 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 ठीक है जी। और भाजी चने, कोई तड़का नहीं होंगे जी, देख सकते जी। अच्छा, ये सिंपल छोले मसाले वाले? जी जी बिल्कुल। तो इसमें डाला क्या है भाजी? सब्जी अच्छा बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल ही होंगे, तड़का नहीं लगेगा। अच्छा,
और ये देखो भाई साहब कुलचे जो हैं वो अब रेडी हैं। लो जी कुलचा रेडी जैसा पैटी भाई क्या जबरदस्त पैटी कुलचा तैयार हो। ये देखो जी पैटी कुलचे तो तैयार है भाई। नॉर्मल वाले को कितना टाइम लगेगा? नॉर्मल भी 2 मिनट लगेंगे। और भाई साहब ये देखो ये करारे वाले मिक्स वाले कुलचे जो है वो भी तैयार है। और भाई साहब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात ये है कि रात के 11 बजे तक भी अब कुलचे मिलेंगे। भाई साहब अमृतसर में आके अगर अमृतसरी कुलचा ना खाया और कभी लेट हो गए रात को तो फिर ऐसा नहीं ना होना चाहिए कुलचे खाए बिना रह गए। ओ भाई ऊपर से ये देसी घी। ओ भाई साहब जिम को और जिम ट्रेनर को बोलो गुड बाय और यहाँ पे आके देसी घी को बोलो हाय हाय। ऊपर आ गया मसाला। ऊपर से मसाला भाई। ओ हो क्रिस्पी चेक कर सकते सब्जी नहीं। भाई ये क्या मट्टी बना दी है इसकी। ओ भाई साहब क्या बात है जबरदस्त है यार। और अभी प्लेट लगवा के दिखाते हैं आपको। इधर देखो जी आपकी सरकार को क्या कुछ काम है तो नंबर डायल कर लो। चलो बाद में देखेंगे पहले अभी कटोरियां लगवा लेते हैं। एक तो छोले और छोले ना एकदम पतली तरी वाले हैं मतलब एकदम लाइट छोले होने वाले हैं। साथ में ये जो अमृतसरी चटनी है ना प्याज वाली ये इसमें हरा रंग थोड़ा ज्यादा है मुझे लग रहा है हरिया धनिया ज्यादा डाला हुआ है। भाई ये आ गए कुलचे। ये आ गए कुलचा मिक्स कुलचे। वाह लो जी पैटी। सर सारे लगा दो आज सारे खाएंगे भाई साहब। मुझे लग रहा है ये कितने 1200 कैलोरीज होंगी मैक्सिमम है ना सर इससे ज्यादा तो नहीं होंगी। तो भाई साहब स्वाद वटांदरा रात में तकरीबन 11 बजे तक या उसके बाद भी कभी कभी आपको यहाँ पे कुलचा मिलेगा। ये देखो एकदम करारा कुलचा है और जो इन्होंने तोड़फोड़ करी थी ना वो कुलचा यही है। नीचे है एकदम करारा वाला ये खस्ता वाला। तो हम अभी क्या करते हैं ना ये बाइट यहाँ से लेते हैं और इसको डिप करते हैं छोलों में। ओए होए 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 वाह। ओ भाई श्योर इज अ बाइट। मुझे लग रहा था कि यार ये रात तक मिलते हैं तो टेस्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो हो गई बट सच्ची बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो मुझे लग रहा है जितने अमृतसर के लोग हैं ना उनके हाथों में एक शफा है। चाहे दिन में बनाए कुलचा चाहे रात में बनाए चाहे देर रात में बनाए भाई साहब कुलचा बढ़िया ही बनेगा। बहुत कमाल कुलचा है और इसके साथ जो बेस्ट पार्ट है जो छोले हैं और जो चटनी है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। यहाँ पे आपको हरे प्याज वाली स्प्रिंग अनियंस वाली चटनी मिल रही है। ओह वाह भाई नेक्स्ट लेवल। और ये ऐसा कुलचा है सिर्फ रात को नहीं अगर आपको दिन में भी कभी कुलचा खाना है और हल्का सा नया टेस्ट लेना है तो भाई साहब आके खाओ आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार।